हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ एंड डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर इज द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इफ ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी देन शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट तो हमें आप पे जो रिलेशन दे रखा है उसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो हमारा कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन जब वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले देखते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे थे कंडीशन, फिर सिमेट्रिक के लिए, फिर ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव तो इसके लिए कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए दोनों आर से बिलोंग करनी चाहिए और जो ए एलिमेंट है वो हमारा किसी सेट ए से बिलोंग करता है। दूसरा सिमेट्रिक तो ये क्या होता है, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए और ए कॉमा बी किसके एलिमेंट है, किसी सेट ए के। तीसरा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का क्या होता है, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करते हैं और बी कॉमा सी आर से बिलोंग करते हैं तो यहां से ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी किसी ए सेट के एलिमेंट हैं, मतलब ए की सेट के तीनों एलिमेंट हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रिलेशन क्या दे रखा है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी और इसके लिए हमें दे रखा है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो सबसे पहले हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर ब्रैकेट को ठीक से लगा देते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो R है वो क्या है, n क्रॉस n रिलेशन है तो यहाँ पे R लिख दो चाहे n क्रॉस n लिख दो, एक ही बात है n क्रॉस n। तो लेट ए कॉमा बी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, यही कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए दोनों आर से बिलोंग करनी चाहिए, रिलेशन आर से बिलोंग करनी चाहिए। तो यहां से हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, ए बी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए ए प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं ए बी बी प्लस सी, क्योंकि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू सी की जगह ए और डी की जगह बी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा बी सी की जगह, फिर बी तो बी रहेगा, सी की जगह ए लिखेंगे और यहाँ पे डी की जगह बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी और ए बी प्लस ए, तो दोनों इक्वल आ गए। ये यहाँ पे बी प्लस ए, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन है हमारा आर वो कैसा है, सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे नंबर पे हमें देखना है सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें यहाँ पे दे रखा है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। हाँ, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, बी सी ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस सी, ये है। तो अब हम यहाँ पे
ये बीसी है, इसको सी बी लिख लेते हैं, या सी बी लिख लो बीसी लिख लो एक ही बात है। इसको डी प्लस ए और इसको डी ए सी प्लस बी ये लिख सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ए डी है उसकी जगह सी बी आ गया, बी प्लस सी डी प्लस ए, बी सी डी ए और ए प्लस डी सी प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा बी है वो रिलेटेड हो गया सी कॉमा डी से। तो इसका मतलब सॉरी जो हमारे यहाँ पे सी कॉमा डी है वो रिलेटेड है ए कॉमा बी से, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमें यही बताना था कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करने चाहिए। तो ए कॉमा बी हमने ये स्टार्टिंग में ये माना था हमने स्टार्टिंग में माना था कि ए कॉमा बी सी कॉमा रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और अब क्या आ गया सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हमें लास्ट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और यहाँ पे सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो हमें ये लेकर के आना है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल रिलेशन दे क्या रखा है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो उसको हम अलग से नोट कर लेते हैं, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी रिलेटेड टू सी डी के लिए हम क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। और सी डी रिलेटेड टू ई एफ के लिए क्या लिखेंगे, ए बी की जगह हम सी डी कर देंगे और सी डी की जगह हम ई एफ कर देंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा ई एफ, सॉरी ये तो हमारा ये रहेगा सी सी एफ, ये हो जाएगा डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ, ये हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए डी बी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस बी सी डी, यहाँ हो जाएगा सी एफ डी प्लस ई सॉरी सी डी एफ प्लस सी एफ ई, या इसको लिख लेते हैं ई सी एफ लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सीई डी और ये हो जाएगा सीई डी और ये सी डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी डी है इसको तो मैं ऐसे लिखा रहे थे, ए डी बी को यहाँ पे हम ले आते हैं ए बी सी को, ये ए बी सी ए को या फिर ए बी सी ए लिखा रहे थे या फिर ए बी सी भी लिख सकते हैं। ए डी बी माइनस का बी सी ए इज इक्वल टू यहाँ बी सी डी और ये इधर चला जाएगा राइट में ए डी सी। तो यहाँ से हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं, तो डी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ सी डी को कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी क्रॉस में चला जाएगा, ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी माइनस सी, ये यहां तक हो गया। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं सी एफ टी, यहाँ हम इसको लेके आएंगे सीई डी को, सीई डी ऐसे ही यहाँ पे क्या है डीई एफ है, यहाँ आ जाएगा माइनस का ई सी एफ, इसमें से हम सी डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एफ माइनस ई बचेगा, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा ई एफ कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस का सी, ऐसे ही सी डी अपॉन डी माइनस सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ माइनस ई। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है सी डी अपॉन डी माइनस सी की है दोनों जगह, तो हम दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ माइनस ई, ये हो गया यहां से। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा ए बी एफ माइनस ई इज इक्वल टू ई एफ बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए बी
f माइनस ई इज इक्वल टू ई एफ बी माइनस ए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एफ माइनस ए बी ई इज इक्वल टू सी सॉरी ई एफ बी, यहाँ पे ये ई एफ बी और माइनस का ई एफ ए। तो अब हम ए बी, ए बी एफ है, इधर हम ले आएंगे प्लस का ई एफ बी, इधर आ जाएगा ए बी ई और प्लस का सी एफ ये ई एफ ए, ये आ गया। तो यहां से अब हम ए एफ कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यहां से हम ये ए एफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा बी और इधर बचेगा यहां पर हम एक काम करते हैं, हम इधर ई एफ बी को नहीं ई एफ ए को लेकर के आते हैं, ई एफ ए, और इधर हम लेकर के जाएंगे इधर हमारा रह जाएगा फिर ये ई एफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई एफ बी और इधर हो जाएगा ई एफ ए। तो अब ए एफ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी प्लस ई, और इधर बचे इधर कॉमन लेंगे बी ई तो क्या बचेगा एफ प्लस ए, ये हो गया। तो यहाँ से जो हमारा एक्चुअल रिलेशन था जो हमने पीछे लिया था वो क्या था, ये था। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा ए बी रिलेटेड टू ई एफ आ गया है जो कि हमें लेकर के आना था, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन अगर हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे हेंस लिख देते हैं, हेंस हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हेंस आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा आंसर है, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।